सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। चल के छोड़ी के हम के चल गलो छोड़ी के हम के जिंदगी बनो सुन सान जय चंदा खबरिया जय चंदा खबरिया कैसन पर हम जान हो ए चंदा कैसन पर हम जान हो। सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड मोबाइल कैमरे यूट्यूब चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल ट्यूटोरियल देखने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो सुना आप लोगों ने, अब आप भी अपने घर बैठे ही और अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ही अपने वॉइस को बिल्कुल स्टूडियो की तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो किस प्रकार से, आपको इस वीडियो के माध्यम से आज सीखने को मिलेगा। जी हाँ, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सीख पाएंगे कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से अपने आवाज़ को बिल्कुल स्टूडियो की तरह इसी प्रकार से किस प्रकार से हम रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मगर शुरू करने से पहले आप सबों से वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या फिर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल से जुड़ी किसी प्रकार के सुझाव या फिर सवाल किसी भी वीडियो को लेकर अगर आपके मन में भी हो और किसी भी प्रकार के नए नए टॉपिक्स पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इसके लिए आप हमसे डायरेक्टली इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे चैनल के अबाउट पेज पे मिल जाएगा। आप वहां से मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस नए ट्रिक्स को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड मोबाइल कैफे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप सीखने वाले हैं कि आप अपने घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल से अपने आवाज़ को किस प्रकार से बिल्कुल स्टूडियो की तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा कि अभी आपने सुना। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप इसी चीज़ के विषय में सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ को करने के लिए अब हम जिस एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाले हैं इस वीडियो में, उस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस वीडियो का के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया गया है, यहाँ से आप चाहें तो इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और या फिर अगर आप गूगल प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर में सबसे पहले चले जाना है और यहाँ पर इस प्रकार से सर्च करना है इस प्रकार से आपको वोलोको, इसे आपको गूगल प्ले स्टोर से सर्च कर लेना है। तो इस एप्लीकेशन को हम सीखने से पहले हम आखिर जान लेते हैं कि ये वोलोको एप्लीकेशन है क्या और इस एप्लीकेशन से हम क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपने एक सॉन्ग सुना, तो इस प्रकार से वोलोको एप्लीकेशन से हम अपने वॉइस में बिल्कुल स्टूडियो की तरह रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हम अपने आवाज़ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नए नए इफेक्ट लगा सकते हैं। और इसके अलावा इस एप्लीकेशन के माध्यम से जितने भी कैरियोके या फिर ट्रैक्स से हम गाना गाते हैं तो ये सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम ट्रैक के साथ गाना गा सकते हैं, कैरियोके के साथ गाना गा सकते हैं। और दूसरे एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप ट्रैक के साथ गाना रिकॉर्ड करते हो तो आपको एक अलग सा वॉइस यहाँ पर देखने को मिला, ऑटो ट्यून वॉइस, जो कंप्यूटर वाला वॉइस था वो आपको देखने को नहीं मिल, दूसरे एप्लीकेशन में नहीं मिलता है। तो इस एप्लीकेशन से अगर आप ट्रैक के साथ गाना रिकॉर्ड करोगे तो इस प्रकार के वॉइस मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है ऐसा कि कंप्यूटर से आपका वॉइस रिकॉर्ड किया हुआ बिल्कुल स्टूडियो की तरह लगेगा एक इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी। तो ये सारा कुछ मिल जाएगा। और इसके अलावा
आपको जो इस एप्लीकेशन में हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हम सबको दिया गया है वो ये है कि सपोज़ कि आपको कोई गाना रिकॉर्ड करना है किसी भी स्केल में, सपोज़ कि ए माइनर स्केल में, अगर आपको गाना रिकॉर्ड करना है ए माइनर स्केल में और अभी आप कोई गाना गा रहे हो तो आपको मालूम नहीं चल रहा है कि आप कौन से स्केल में गा रहे हो, तो एप्लीकेशन में अगर आप सेट कर देते हो कि आपको ए माइनर में रिकॉर्ड करना है तो उसके बाद चाहो आप किसी भी स्केल में गाना गाओ आपका गाना ए माइनर में ही रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर दिए हुए हैं, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे हमारे लिए यूज़फुल फीचर है तो इसके विषय में हम आगे जानेंगे। तो कुल मिलाकर इस एप्लीकेशन में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम सारे ऑप्शंस को नहीं जानेंगे जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, उन सब चीज़ों के विषय में ही जानेंगे। अगर आपको और भी ऑप्शंस के विषय में विस्तार रूप से जानना है तो आप हमें ज़रूर कॉमेंट करें, मैं आपको उस पर भी वीडियो बनाकर इसका अगले पार्ट में ज़रूर दूंगा। तो चलिए अब बिना गवाए समय हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो अगर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको कुछ परमिशन मांगा जाएगा, उस परमिशन को आपको अलाउ कर लेना है, और अलाउ करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इस एप्लीकेशन में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो मैं पहले आपको एक एक ऑप्शन दिखाता हूँ, उसके बाद मैं सीखूँगा आगे। सबसे पहला ऊपर की ओर लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की ओर मिलेगा एक सेटिंग्स का बटन, जिस पर क्लिक करने के बाद आप इस एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, मगर पहले से ही सारा सेटिंग रहता है इसलिए सेटिंग में आपको किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना है। अगला बटन है टॉप ट्रैक्स, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने लिए ट्रैक्स या फिर अलग अलग धुन दिए हुए अलग अलग बीट्स हैं उसे आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको किसी भी बीट पे अगर गाना गाना है तो। यहाँ पर पहले से ही कुछ अंग्रेजी या फिर दूसरी लैंग्वेज के ट्रैक्स उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो इस पर भी अपने सॉन्ग को गा सकते हैं। आगे यहाँ से अगर आप स्वाइप करते हो तो सारे ट्रैक्स के लिस्ट मिल जाएंगे, यहाँ से आप अपने लिए ट्रैक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे आपको ट्रैक्स और बीट्स मिल जाएंगे, अगर आप किसी भी बीट्स को सिलेक्ट करते हैं अगर आप चाहो तो उस पर अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस पर। तो इस प्रकार से हमने अब तक सेटिंग्स देखा, सेटिंग के बाद कुछ ट्रैक्स यहाँ से आपको मिल जाते हैं, इसके विषय में जाना, और इसके बाद अब हम इस एप्लीकेशन में आगे हमें मिलता है सबसे नीचे की ओर, अगर आप आएंगे यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में सबसे नीचे की ओर तीन बटन्स मिलते हैं, डिस्कवर जो कि सिलेक्टेड है, ये अगर सिलेक्टेड रहेगा तो यहाँ से होम स्क्रीन में जितने भी आपके ट्रैक्स हैं बाय डिफॉल्ट इस एप्लीकेशन में जितने भी ट्रैक्स हैं वो सारा यहाँ पर शो होगा। तो अगर आप माई ट्रैक्स पे क्लिक करते हो तो जितने भी आप सॉन्ग रिकॉर्ड करके रखे हो, जितने भी चीज़ रिकॉर्डेड हैं इस एप्लीकेशन के माध्यम से, वो सारा कुछ यहाँ पर होम स्क्रीन में शो होने लगेगा। अगला बटन है ये परफॉर्मेंस बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपने लिए गाने को रिकॉर्ड कर सकते हो, चाहे वो ट्रैक के साथ हो चाहे किसी भी प्रकार से रिकॉर्डिंग है, इसके लिए आपको इसी बटन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए अब हम सारे चीज़ों को जानने के बाद इसे हम सीखते हैं, तो इसके लिए आपको इस बटन पर क्लिक करना है परफॉर्मेंस बटन, ये आपको राइट कॉर्नर में सबसे नीचे की ओर मिल जाएगा माय ट्रैक के बगल में। चलिए इसे हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करोगे तो आप हेडफोन अगर यूज़ करो तो और भी बढ़िया बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आप इसे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलिए इस प्रकार से इस पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो सबसे पहले आपको मैं सारे ऑप्शन को दिखाता हूँ कि आखिर इस ऑप्शन का क्या काम है, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। सबसे पहला बटन है नेविगेट अप, इस बटन से आप बैक जा सकते हो। अगला बटन है ऑफ, जो कि स्क्रीन रीडर रीड कर रहा है ऑफ, तो इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑडियो और या वीडियो क्वालिटी में आप किस क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करना चाहते हो अपने वॉइस को वो चीज़ है। तो अगर आप ऑडियो के साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ये ऑफ ही रहने देना, अगर आप वीडियो के साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसे ऑन कर लेना है।
अगला बटन है की। इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो अपने लिए स्केल सिलेक्ट कर सकते हो, जिसके विषय में मैं आपको पहले बता रहा था। तो इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप किस स्केल में आपको गाना रिकॉर्डिंग करना है उस चीज़ को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस पर क्लिक करना है। देखिए ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर एफ पहले से सिलेक्टेड है, तो अगर आप दूसरे स्केल में गाना रिकॉर्ड करना चाहते हो तो किसी भी स्केल का दो पार्ट होता है, सी उसका शार्प मतलब शुद्ध और कोमल जिस प्रकार से हम कह सकते हैं। तो ये है सी, सी नोट है, अगला है सी शार्प। तो इस प्रकार से तो आप इस प्रकार से अपने स्केल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिस स्केल में आप चाहो तो। और इसके अलावा स्केल किस स्केल में आपको मेजर में करना है या फिर माइनर, आपका कौन सा स्केल है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं मेजर माइनर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है, मेजर पेंटाटोनिक माइनर पेंटाटोनिक माइनर मेजर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो चलिए आप जिस भी स्किल में अपने गाने को रिकॉर्डिंग करना चाहते हो वो स्किल यहाँ पर सिलेक्ट करो। तो मैं बाय डिफॉल्ट एफ मेजर सिलेक्ट किया हूँ और यहाँ से बैक चला जाता। तो अब इस प्रकार से अब तक हमने जाना, ये पहला बटन वीडियो और ऑडियो के लिए, अगला बटन है की, और इसके बाद अगला बटन है इफेक्ट। इस बटन पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप इफेक्ट सेट कर सकते हो, किस इफेक्ट में आपको रिकॉर्डिंग करना है वो आप यहां से लगा सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इफेक्ट देख लेना है, कौन से इफेक्ट में किस प्रकार का वॉइस है, किस प्रकार का आपका क्वालिटी, किस क्वालिटी का रिकॉर्डिंग होता है, ये सारा चीज़ आपको हर एक इफेक्ट में एक बार चेक करना होगा, तभी आपको मालूम चलेगा। तो इस प्रकार से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे इफेक्ट हैं यहाँ पर। हार्ड टून, नेचुरल टून, प्रीसेट इमेज बटन, वर्महोल, हार्ड टून, सुपर वोकोडर, बिग कोरस, प्रीसेट इमेज बटन, पीटेन, प्रीसेट इमेज बटन। इस प्रकार के बहुत सारे इफेक्ट हैं यहाँ पर। तो क्लोज इमेज शीट, किसी एक इफेक्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए पहले मैं नेचुरल टोन आपको दिखाता हूँ, इस इफेक्ट में किस प्रकार का वॉइस रिकॉर्ड होता है। स्टार्टर इफेक्ट्स क्लोज इफेक्ट इफेक्ट बटन बैक आ जाना, मिक्स बटन, अगला बटन मिलता है मिक्स। तो यहां से भी आप अपने आवाज में और भी कुछ मिक्सिंग कर सकते हैं। मिक्सर म्यूट लिव वोकल स्विच म्यूट लिव वोकल्स, देखिए पहला बटन है म्यूट लिव वोकल म्यूट लिव वोकल्स स्विच ऑन ऑफ, देखिए जो कि ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर मिलता है। तो अगर जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो हेडफोन का यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी रिकॉर्ड करोगे वो आपका हेडफोन में भी सुनाई देगा। इसे अगर आपको नहीं सुनना है तो आप यहाँ से ऑफ रख सकते हो, और अगर सुनना है तो इसे आप ऑन रख सकते हो, उस चीज़ के लिए बटन है। यहाँ से आप ट्रैक रिकॉर्ड नहीं करना चाहते तो यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये पिच के लिए वोकल वॉल्यूम आप कितना रखना चाहते हैं वो है। अगर आप ट्रैक के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ट्रैक का वॉल्यूम कितना रहना चाहिए ये है। तो इस प्रकार से मिक्सर में इतना कुछ देखने को मिलता है। अगला बटन है यहाँ से आप रेवर्ब लगा सकते हैं, अपने आवाज़ में इको इफेक्ट लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे इफेक्ट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अब देखते हैं कुछ रिकॉर्ड करके, तभी आपको मालूम चलेगा। अगला बटन है ट्रैक, यहाँ से आप ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं अपने लिए जो भी ट्रैक से आप गाना चाहो। तो यहाँ से आप आपके डिवाइस में या फिर आपके फाइल मैनेजर में कोई ट्रैक पहले से है उसे भी आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से गा सकते हैं। एक्शन रिकॉर्डिंग स्टार्ट बटन, ये बटन है रिकॉर्डिंग स्टार्ट, यहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगला ये प्रीमियम फीचर के लिए है, इस बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका प्रो वर्जन जो है उसे आप परचेस कर सकते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए ये बता दूँ कि अभी आप सभी फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे इस एप्लीकेशन में, और अगर सारे फीचर को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस एप्लीकेशन के कुछ फीचर को परचेस करना होगा, तभी आप सारे फीचर को यूज करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं आपको इसका क्रैक वर्जन अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि आप इस एप्लीकेशन को बहुत ही आसानी से सारे फीचर को के साथ यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए इसी एप्लीकेशन को आप लोग यूज़ करें। तो अभी आप ट्रैक के साथ गाना रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। अगला बटन नेक्स्ट, बस
चलिए अब जो मैंने स्केल सिलेक्ट किया और जो इफेक्ट सिलेक्ट किया उस पर अब रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रहा है। Select back and drag, backslash, select action recording start button. चलिए इस पर क्लिक करता हूँ। Quit action recording start button. तो अभी मैं कुछ सॉन्ग रिकॉर्डिंग नहीं करूँगा, कुछ दो चार शब्द रिकॉर्डिंग करता हूँ। सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल ट्यूटोरियल पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। रिकॉर्डिंग हो चुका, देखिए। सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल ट्यूटोरियल पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो अब यहाँ पर रिकॉर्डिंग होने के बाद यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, मगर अभी आपको एडिट का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप इसके फीचर को परचेस करते हैं या फिर इसका क्रैक वर्जन यूज करते हैं तभी आपको इस चीज को यूज कर सकते हैं। अगला बटन Natural, clear, play, pause, यहाँ पर आप चाहे तो इसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। Action, save the disk, यहाँ से सेव का भी बटन मिल जाता है, यहाँ पर अगर आप सेव करेंगे तो आप बाकी दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। Save. Action, share, button. अगला बटन है शेयर, यहाँ से आप डायरेक्टली व्हाट्सएप या फेसबुक में भी शेयर कर सकते हैं। Navigate up, button. चलिए बैक आ जाता हूँ। Cancel, discard. तो इस प्रकार से अब तक हमने यहाँ पर एक इफेक्ट को चेक किया और यहाँ पर हमने अब तक यहाँ देखा कि हमारा वॉइस हो चुका है मगर इसमें किसी प्रकार के इको इफेक्ट नहीं लग पाया। तो अगर आप इको इफेक्ट इसमें लगाना चाहते हैं यहाँ पर जो रिवर्ब वाला ऑप्शन है, रिवर्ब वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा bypass, button, stereo width, button, large hall, button. लार्ज हॉल किस प्रकार का इफेक्ट आप चाहते हैं इको? Medium room, medium room, long and narrow, button, cathedral, button. यहाँ पर आपको cathedral वाला option select कर लेना। Compressor, preset image, equalizer. यहाँ पर equalizer. Preset image, reverb, preset image. चलिए, यहाँ आपको इस प्रकार से select कर लेना। Backslash reverb, button. तो इस पर करने के बाद चलिए इस प्रकार से हमने एक इफेक्ट को जाना और कुछ इफेक्ट चेक करके आपको दिखा देता हूँ वीडियो को अंत करने से पहले। तो फिर से इफेक्ट में आपको चले आना है। तभी हमने नेचुरल टोन के विषय में जाना और अगला इफेक्ट है सुपर वोकोडर, देखिए ये सुपर बिग कोरस, देखिए बिग कोरस ये किस प्रकार का इफेक्ट है इसे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इस पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसे क्लोज करना है, फिर से आपको ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग में क्लिक करना है। तो चलिए फिर से मैं उसी शब्द को बोल के रिकॉर्डिंग करता हूँ। सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल ट्यूटोरियल पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये रिकॉर्डिंग हो चुका है। सब्सक्राइब करें एंड्रॉइड मोबाइल कैफे चैनल को और सबसे पहले लेटेस्ट टेक्निकल ट्यूटोरियल पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखिए इस प्रकार से यहां रिकॉर्डिंग हो गया। Action recording. तो अभी मैं बोलकर रिकॉर्डिंग कर रहा था तो इसलिए कुछ आपको खास नहीं लगा, लेकिन आप अगर बढ़िया इफेक्ट सिलेक्ट करते हो और अपने ट्रैक के साथ रिकॉर्डिंग करोगे इसके प्रो वर्जन में जाकर या फिर इसी एप्लीकेशन में अगर आप अपने सॉन्ग को रिकॉर्ड करते हो बढ़िया इफेक्ट सिलेक्ट करने के बाद बढ़िया उसके बाद आप बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कर पाओगे, आपका वॉइस बहुत ही अच्छे क्वालिटी में लगेगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा और आप सारी चीज़ों को सीख लिया होगा आपने। तो इसके अलावा इस एप्लीकेशन के विषय में किसी प्रकार के डाउट्स हैं और इसके अगला पार्ट अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इसके अगले पार्ट में आपको बताऊंगा और भी चीज़ों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं फिर से कभी अगले वीडियो में अगले दिन।